वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे वड़े। जी हाँ, हम कोई दाल के वड़े भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब वड़े का नाम आता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बहुत ही मेहनत का और बहुत ही झंझट का काम है। दाल को पहले भिगो, उसे सोख करो, फिर उसे अच्छे से ग्राइंड करो, एकदम बारीक उसका पेस्ट बनाओ, फिर उसे वड़े की शेप में लो, और फिर वो भी टूट जाते हैं। तो इसीलिए आज आप देखेंगे कि मैंने बिना दाल के भी इतने टेस्टी और क्रिस्पी वड़े बनाए हैं और बहुत ही इंस्टेंट वाले बनाए हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ पर पोहे के वड़े बनाए हैं, तो और जो कि ये बहुत ही ईजी होता है बनाने में और खाने में बेहद टेस्टी, एकदम क्रिस्पी वड़े बन के तैयार होते हैं ये, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह से कोई दाल को भिगोने का झंझट नहीं रहता है। तो चलिए बिना देरी किए हम पोहे के वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप पोहा ले लिया है, जिसको हम लोग चिड़वा भी बोलते हैं, और इसको अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर चिड़वे को डाल दिया है और पानी से हमें अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। पहले हम इसे इस तरह से इसको रब करेंगे, जिससे जो चिड़वे के अंदर जो भी डस्ट है वो सारी निकल जाए। और अब एक स्ट्रेनर पे लेके हम इसको छान लेंगे। ये प्रोसीजर हमें तकरीबन 3-4 बार हम करेंगे। देखिए, फिर से हमने इसके अंदर पानी डाला पोहे के अंदर, और अब इसे हम फिर से रब करेंगे हल्के हाथों से, और फिर से इसे हम इसे छान लेंगे। तो देखिए, मैंने ऐसा तकरीबन 3-4 बार कर लिया है, और अब भाई पोहे को सोक करना है, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और पानी हमें इतना डालना है जितने में पोहा हमारा जो है वो अच्छे से भीग जाए। पोहे के ऊपर तक थोड़ा पानी होना चाहिए, और अब इसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से 10 मिनट के लिए, जैसे जो पोहा हमने भिगोया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और ये देखिए पोहा इस तरह से हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसकी पहचान ये है कि जब हम इस तरह से दो उंगलियों के बीच में इसे मैश करें तो वो अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। और अब इसे हम छान लेंगे। तो मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, और उसके ऊपर रखते हुए हम इसको पोहे को सारा छान लेंगे, और इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी पोहे के अंदर है वो सारा निकल जाए, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना वड़े हमारे फट सकते हैं। तो उसको हम इसी तरह छोड़ देंगे, और 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने पोहे को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैंने जिसमें सबसे पहले यहाँ पर लिया है एक हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और एक इस अदरक का टुकड़ा लिया था उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर डालूंगी कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर अरारोट का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। ये मेरी होम मेड है, और इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम जीरा, और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसमें मैं 1/4 छोटा चम्मच डालूंगी हींग। लेकिन अगर आप हींग को पसंद नहीं करते तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम नमक। नमक को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 कप डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे दही। मैंने यहाँ पर फ्रेश दही का यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप दही लिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए हम दही डालेंगे, क्योंकि इसमें अगर दही भी ज़्यादा पड़ गया तो ये बैटर हमारा पतला हो सकता है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 बड़े चम्मच दही का यूज़ किया है, और दही को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छे से मलते हुए मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच दही का यूज़ और किया था, सॉरी वो स्किप हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल 4 बड़े चम्मच दही का यूज़ किया है। तो अभी अच्छे से दही को भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है, और अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि जितना भी है बैटर हमने बनाया है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, बैटर हमारा सेट हो जाए। और देखिए, मैंने जो 1 कप दही लिया था उसमें से इतना दही तकरीबन बच गया है, और अब इसको हम सोक करने के लिए रख देंगे। और देखिए, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से बैटर हमारा सेट हो गया है। और ये देखिए, अब हम वड़े बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ऐसे छोटा सा एक पोर्शन ले लिया है, आप अपने जितने बड़े चाहे उतने बड़े वड़े बना सकते हैं, छोटा बड़ा जितना बड़ा आपको चाहे उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से बॉल की शेप में लेते हुए इसको फ्लैट कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और जो साइडें हैं उसको भी हम स्मूथ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, इसे गोल शेप में ले लेंगे।
और अब इसको वरे की शेप में देने के लिए मैंने यहाँ पर फिंगर से बीच में एक होल कर देंगे हम इस तरह से, क्योंकि वरे बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। और देखिए पीछे से भी इसको पलटते हुए हम इस तरह से इसको होल कर लेंगे, जिससे दोनों तरफ से ये अच्छे से बिल्कुल वरे की शेप में आ जाए। और ये जब हम नीचे से इसको अच्छे से होल नहीं करेंगे इसमें तो ये बंद हो सकते हैं फ्राई करते में, तो इसलिए दोनों तरफ से इसमें होल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, तो मैंने यहाँ पर गैस पे पैन रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल को अच्छा गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम वरे डाल देंगे। तो देखिए अभी स्टार्टिंग में मैंने फ्लेम को हाई पर रखा था और वरे डालने के बाद में फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है, तभी तो इसमें एकदम से क्रिस्प आएगा और ये अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। अगर मेरे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन वरे हमारे अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसके लिए इसको स्टार्टिंग में मैंने हाई पर रखते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, और इसमें हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा एक तरफ से फ्राई होने में। और देखिए आपको महसूस भी हो रहा होगा कि नीचे से फ्राई हो गए हैं ये। अब इसको हम पलट देंगे और देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। और इसी तरह से हम सारे वड़ों को पलट देंगे और इसको भी हम लो फ्लेम पर बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए सारे वड़ों को हमने पलट दिया है और लो फ्लेम पर अब इसको हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, मैंने इसको उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है, एकदम क्रिस्पी वड़े बनके हमारे तैयार हुए हैं। और ये देखिए दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ किस कदर ज़बरदस्त वड़े बनके हमारे तैयार हो गए हैं ये। और ये देखिए इसको अब हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर और बाकी के वड़े भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है, कितने ज़बरदस्त ये वड़े लग रहे हैं और कितने इंस्टेंट वाले वड़े हैं ये, और बहुत ही टेस्टी बने हैं और इतने क्रिस्पी हैं ये कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपका इसको बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ में, बच्चों के लंच बॉक्स में कभी भी सर्व कीजिए। और किटी पार्टी की तो ये जान होती है, जब भी आपके घर में छोटी मोटी कोई पार्टी हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन पर और ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।